एक पेड़ पर कौओं का एक जोड़ा रहता था। कौवी ने चार अंडे दिए। उसने कौवे से कहा, देखो जी, कुछ दिनों में हमारे बच्चे अंडों से निकलेंगे। कितनी खुशी की बात है ना? उसी पेड़ के नीचे बिल में एक काला सांप रहता था। वह एक दिन ऊपर पेड़ पर चढ़ आया और मन ही मन सोचने लगा, आज तो इन अंडों को खाकर पेट भरूंगा। शाम को कौआ और कौवी वापस आए और घोंसले में अपने अंडों को ना पाकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। कौवा बोला, मत रो, मैं समझ गया, जरूर ये काम उस काले सांप का है। इस पर कौवी बोली, लेकिन आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तब कौवा अपने मित्र लोमड़ी के पास गया और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और बोला, लोमड़ी बहन, बोलो अब हम क्या करें, उस काले सांप को कैसे सबक सिखाएं? लोमड़ी ने कौए को एक उपाय बताया। कौवा नदी के किनारे पहुंचा। पास ही वह एक पेड़ पर बैठ गया। उसने देखा कि रानी अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहा रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना, पानी कितना ठंडा है। ठीक कहा आपने। इतने में कौवा जल्दी से जाकर रानी का कीमती मोतियों का हार उठा लाया, फिर उसे सांप के बिल में डाल दिया। जब रानी नहाकर निकली तो उसे अपना मोतियों का हार दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाई, अरे कोई है यहाँ, देखो मेरा हार कहाँ गया, आसपास ढूंढिए, हार कहाँ गया, पता करिए। एक सिपाही तुरंत आकर बोला, मैंने एक कौवे को रानी जी का हार ले जाते देखा है, आप मेरे साथ आइए। दूसरा सिपाही बोला, जल्दी चलो। दोनों सिपाही सांप के बिल से जैसे ही हार निकालने लगे, वैसे ही सांप बाहर निकल आया। सिपाही सांप को मारकर हार निकाल लाए। दूर से देख रहे कौवा कौवी खुश हो उठे। कौवा बोला, इसे कहते हैं जैसे को तैसा, अब जब तुम अंडे दोगी तो उन्हें कोई नहीं खाएगा, हम सुख से रहेंगे।